से सुना, वो कहते हैं कि एक पद पे एक शख्स होना चाहिए। अशोक गहलोत को लग रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सही रास्ता होगा? क्योंकि लाजमी तौर पे एक शख्स अगर एक पोस्ट पे पूरा अपना ध्यान दे तो वो बेहतर है, क्योंकि पार्टी पे वो फोकस कर पाएंगे और सरकार पे सचिन पायलट फोकस कर पाएंगे। क्या तकलीफ है इसमें प्रताप भाई? प्रताप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? गिव मी अ मोमेंट एज आई फिक्स दैट कनेक्शन विद द कांग्रेस एमएलए फ्रॉम राजस्थान। प्रताप जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको होगा, क्या यह तय है कि अशोक गहलोत बनने वाले हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष? देखिए एक बात आप मानकर चलिए, जो भी होगा अब तो सब सामने आ जाएगा। आज तो गहलोत साहब खुद प्रेस से मिल चुके हैं, सारी बात प्रेस को बोल चुके हैं, और ये तय बात है कि कांग्रेस आलाकमान, खुद सोनिया जी से उनकी मुलाकात हो गई, सब कुछ आपके चैनल पे आ रहा है, राहुल गांधी जी से वो कल मिलने वाले हैं। अब जो भी नीति होगी वो सामने आ जाएगी। कल एमएलएच की मीटिंग हो गई, पूरी बात वहां हो गई, सब बात पिक्चर क्लियर है। अब एक दो दिन में सारे पत्ते भी खुल जाएंगे, कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा इसमें कोई दोराय नहीं। पूरा देश आज भी राहुल गांधी जी का नाम ले रहा है, राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट बने। तो ये जो जितना सारा डिस्कस हो रहा है उस डिस्कस से आप ये मानकर चलिए सबकी नजर कांग्रेस पर है। और राहुल गांधी जी, कल भी अशोक गहलोत जी ने कहा, यहां से प्रस्ताव भी पास हुआ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, कल भी राहुल गांधी जी के लिए प्रस्ताव पास किया गया दो दिन पहले, और जो दो दिन पहले प्रस्ताव पास किया गया उसमें कहा गया कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद संभाल नहीं। पर क्या तकलीफ है अगर सचिन पायलट कांग्रेस के आलाकमान को चीफ मिनिस्टर बनते हैं राजस्थान में, तो क्या बुरी बात है? उन्होंने मेहनत की अध्यक्ष के तौर पे, जाना पहचाना यंग एनर्जेटिक चेहरा है उनका, वो बने राजस्थान के सीएम और गहलोत जी आए कांग्रेस प्रेसिडेंट बन के दिल्ली में, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये सारा तय करना तो इंडिया टुडे ग्रुप का काम नहीं है, ये तो विधायक और कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे। जो कांग्रेस आलाकमान तय करता है, गहलोत साहब खुद कह चुके हैं वो सब मुझे मंजूर होगा, तो ये प्रेस का काम नहीं है, तो विधायकों का और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को। आपके हिसाब से विधायक किसको चाहते हैं राजस्थान में? की बात हो रही है, क्या होगा अगर कांग्रेस के एमएलए से पूछा जाए राजस्थान में, विधायक अभी इस वक्त या पायलट कौन चाहिए आपको? आप मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी बने तो विधायकों की राय से ही बने, ऐसे तो ना बनते हैं चीफ मिनिस्टर। तो विधायकों की राय आलाकमान को पता होती है, उसके बाद ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वो तो अभी चीफ मिनिस्टर है ही ना, तो विधायकों की राय से ही चीफ मिनिस्टर, बिना विधायकों की राय से कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। आलाकमान उसी को चीफ मिनिस्टर बनाता है जो इसके पक्ष में विधायक राय देते हैं। तो आज कांग्रेस विधायक दल के नेता अशोक गहलोत हैं इस वक्त, और पूरे विधायक उनके साथ खड़े हैं, आप इस बात को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस तो वैसे भी बीजेपी के आंख की किरकिरी है, तो अब इस वक्त तो कांग्रेस के सारे विधायक विधायक दल के नेता के साथ ही है ना।